डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आठवें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया अपने प्रतिद्वंदियों से 75,000 वोटों से आगे चल चुके हैं। अभी कुल मिलाकर के 6 राउंड और होने बाकी हैं, लेकिन हरिकांत अहलूवालिया अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और यही कारण रहा कि उन्होंने मीडिया से बिल्कुल साफ साफ कहा कि उनके जीत के लिए जनता का प्यार और मोदी योगी द्वारा किए गए विकास कार्य के कारण जनता में जो भाजपा की छवि बनी है, इसी कारण उनकी जीत हुई है। उन्होंने इस दौरान मीडिया से क्या कहा, इसको हम आपको एक सीधे दिखाते हैं, देखिए। तो मैं विषय में बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो कार्यशैली है, उससे महानगर की जनता बहुत प्रभावित है। जब भी कोई समस्या होती है, महानगर संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजा जाता है, और ये जो इतनी जीत हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है, उसकी जीत है। आपने देखा होगा कि परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितना जबरदस्त देखने वाला देश में डेवलपमेंट हो रहा है। परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी द्वारा कितना एक आदर्श शासन व्यवस्था दी गई है। इन सारी व्यवस्थाओं का, इन सारे डेवलपमेंटों का पूरा प्रभाव मेरठ महानगर की जनता पर भी है, और उस कारण सबसे पहला काम क्या होगा आपका? देखिए, पहला काम क्या, काम तो इसमें काफी है। मेरठ महानगर करना है हमें, मेरठ महानगर के जाम का जो समस्या है उसमें अपने जनप्रतिनिधि को साथ बैठ के उस पर विचार करना है। मेरठ महानगर में जो कूड़ा लगभग 1800 टन रोज होता है, उसका पूरा निस्तारण नहीं हो पा रहा, उस पर पूरा विचार विमर्श करना है। आदर्श पार्टी एक योजना है, वो भी यहाँ पर लानी है। यहाँ पर सड़कें और अच्छे से अच्छी बने, इन सब विषयों पर विचार किया जाएगा, और एक आदर्श महानगर बनाने के लिए पूरा सब कार्यकर्ता अपना योगदान देंगे। स्मार्ट सिटी बनेगा क्या मेरठ? देखिए, स्मार्ट सिटी के और जो मैंने आपको विषय बताए, जब ये विषय ठीक हो जाएंगे तो ये बिल्कुल पक्का है कि मेरठ स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो जाएगा, उस ओर चल पड़ेगा। तो ये सारे सिस्टम ठीक हो जाए तो स्मार्ट सिटी तो अपने आप हो जाएगा। ये जीत का श्रेय परम सत्य हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, मुख्यमंत्री जी की हमारे कार्यशैली, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की कार्यशैली, और हमारे महानगर संगठन की, भारतीय जनता पार्टी के देव कुल्य हजारों कार्यकर्ता, जो मेहनती कार्यकर्ता है, जो कि हमें एक एक गली तक ले गया, ये सब उनकी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जनता को श्रेय नहीं देंगे, संगठन की जीत है क्या? नहीं, जनता ने हमारे पर विश्वास किया, ये अब बहुत हम पे ईश्वरीय कृपा है, जो हमारे कार्यकर्ताओं पर जनता ने विश्वास करा। तो जनता तो है ही बनाने वाली, अगर जनता तो बना ही रही है हमें, तो जनता, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हमें हर हालत में जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है। महिलाओं के लिए कुछ विशेष नगर निगम में कुछ करना चाहेंगे आप? अगर कोई व्यवस्था होगी, अगर आपने हमें कुछ बताया तो अच्छे से अच्छा जो सब हम करेंगे बहनों के लिए। हाँ, बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और महानगर की जनता जानती है कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार ये स्थानीय सरकार के रूप में बनी तो देखने वाला ही डेवलपमेंट इस मेरठ महानगर में होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।